वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रूमिंग विद गौरव। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गर्दन दर्द के बारे में। मतलब देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं आपको उसकी अगर आपके गर्दन में दर्द होती है ना, तो उसकी वजह वो क्यों हो रहा है और वो कैसे ठीक हो सकता है, इतना तो बता सकता हूँ ना। बस सिंपल सी एक्सरसाइज कुछ बता के और कुछ और टिप्स के साथ, तो मैं आपको 7 टिप्स बताऊँगा कैसे ठीक होगा आपका गर्दन दर्द। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ कि गर्दन में दर्द होने का रीज़न क्या रहता है। देखो, हमारी गर्दन में मतलब गर्दन दर्द का मेन जो रीज़न रह सकता है वो है आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, उसकी वजह से आपकी गर्दन में दर्द रह सकता है। ठीक है, अगर आपकी लाइफस्टाइल मतलब आपकी दिनचर्या अगर सही तरीके से नहीं है और कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो तब आपकी गर्दन में दर्द होने के चांसेस। तो यार, हमारी लाइफस्टाइल और दिनचर्या मतलब डेली रूटीन और लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत मतलब छोटे मोटे चेंज करने से ना, हम गर्दन दर्द बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अपना और गर्दन दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। देखो, हम सब ने कभी ना कभी गर्दन दर्द फेस किया होता है, तो ये किस वजह से होता है? ये जो हमारी गर्दन के आसपास सॉफ्ट जो लिगामेंट्स होते हैं, सॉफ्ट जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनकी वजह से ये मतलब मेनली रहता है। तो गर्दन के आसपास मौजूद मसल्स और लिगामेंट्स बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मतलब इन सॉफ्ट टिश्यू पे दबाव पड़ने का कारण स्पाइनल स्टोनेसिस हो सकता है। वहीं कई बार मैं ना साफ मतलब रीज़न क्लियर डिफाइंड नहीं हो पाता यार कि हो किस वजह से रहा है, बट जो मैं आपको ये 7 टिप्स बताने वाला हूँ ना, ये टिप्स से आपका गर्दन दर्द मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यार, पहली टिप है सही पिलो का इस्तेमाल, सही तकिए का इस्तेमाल। जब भी आप मतलब सही तकिया वही है जो आपकी स्पाइन को ना एक नेचुरल जो सेप है, उसका नेचुरल जो पोजीशन है, पोस्चर है, उसमें रखती है। कई लोगों को फ्लैट तकिए में सोने से आराम मिलता है, कई लोगों को वो बीच में गड्ढे वाले ऑर्थोपोडिक तकिए में सोने से आराम मिलता है। तो मतलब तकिया कोई सा भी हो, आपको आराम और पोस्चर, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है और आप कोई भी तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कमर के बल सोएं। देखो यार, जब हम कमर के बल सोते हैं ना, तो हमारी जो स्पाइन है और गर्दन है वो बिल्कुल मतलब नेचुरल पोजीशन में रहती है। तो उस टाइम पर अगर आप हल्का सा एक तकिया लगाते हैं, तो आपकी आपके गर्दन को बहुत आराम मिलेगा। अगर आप ऐसे साइड को सोते हैं ना तिरछा, तो आप मतलब 4 से 6 इंच तक का तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके ना आई लेवल पे उसका मॉनिटर सेट होना चाहिए। अब आई लेवल पे कैसे यार? देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ, जो लोग दिन भर जिनका कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो लोग दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो वो आई लेवल पे सेट होना चाहिए। मतलब कि जब आप बैठो ना, तो आपकी आँखों के सामने मॉनिटर का सेंटर होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, अपनी पोजिशन पर बैठो और आइज़ क्लोज़ करो, उसके बाद जब आइज़ ओपन करोगे तो आपको मॉनिटर का सेंटर दिखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी गर्दन ना ज़्यादा झुकेगी और नहीं ज़्यादा आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, तो आप देर तक काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट है मोबाइल से थोड़ा सा आपको ना दूरी बनानी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, या आप पिलो लगा के ऊँचा पिलो लगा के ऐसे इस्तेमाल करते हैं, या यूँ झुक के इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे पेट के बल लेट के मतलब उल्टा लेट के ऐसे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। बहुत हद तक ये रीज़न भी हो सकता है कि बहुत हद तक ये कारण भी हो सकता है आपके गर्दन दर्द का। तो आपको मोबाइल से ना थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी अगर आपका फ़ोन में ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम नहीं होता था। तो अगली टिप है गर्दन के लिए एक्सरसाइज करें। अब यार, एक्सरसाइज कौन कौन सी करें, मैं आपको 2-3 कुछ सिंपल से एक्सरसाइज बता दूँ। देखो, आपको सीधे बैठना है और फेस ऐसे सामने करना है, उसके बाद जो आपकी चेन है ना उसको आगे को करना है, ठीक है, इस टाइप से 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर पीछे को करना है सेम, फिर 5 सेकेंड होल्ड करना है। एक एक्सरसाइज ही होगी। सेम आपको दूसरी एक्सरसाइज में अपनी नेक को शोल्डर की तरफ झुकाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, देन अपनी पोजीशन पे, फिर अपोजिट साइड, फिर 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर अपनी पोजीशन पे। सेम आपको करना है फ्रंट साइड में, तो चिन को यहाँ पर चेस्ट पे टच करने की कोशिश करना, 5 सेकंड आपको होल्ड करना है, उसके बाद फिर सेम पोजीशन पे, फिर बैकवर्ड, फिर अपनी पोजीशन पे। ये एक्सरसाइज बहुत कारगर है और कोई मतलब ऐसे ही नहीं बना रखी, बता रहा हूँ मैं, तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत सिंपल सी है। और आपको क्या करना है ना, 5-5 सेकंड जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसके 5-5 रेपिटेशन लगाने हैं। और जब भी जैसे ये वाली आप कर रहे हो, तो 5 सेकंड इस साइड होल्ड करना है, 5 सेकंड इस साइड होल्ड करना है। तो जब भी मॉर्निंग में उठो, तो थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। तो नेक्स्ट है यार, सही मात्रा में आपको ना पानी पीना है। हमारी स्पाइन के बीच मौजूद डिस्क का सीधा असर हमारे पोस्चर और हमारे गर्दन पर पड़ता है, तो उस डिस्क में बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास डेली पानी पीना है। और जब भी आपको पानी की प्यास लगे, तो आप ज़रूर पानी पिएं। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू ड्रिंक वाटर, वो भी ज़रूर देख लें। तो
पानी, और जब भी बाहर निकलो तो एक बॉटल कैरी करना जिसमें पानी हो और आपको जब भी प्यास लगे आप पी सको, तो पानी बराबर मात्रा पीना, ये भी एक रीज़न रह सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप है बराबर वजन उठाएं। मींस कि आपको जब भी आप कोई भारी चीज़ उठाएं ना, तो ऐसा नहीं कि आप अगर राइट हैंड से उठा रहे हैं या लेफ्ट हैंड से उठा रहे हैं तो मतलब सारा लोड आपने बस इस शोल्डर पे दे दिया है, कि लेफ्ट से उठा रहे हो तो लेफ्ट पे दे दिया, राइट से उठा रहे हो तो राइट पे दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप कोई भारी चीज़ उठाए तो मेक श्योर कि वो जो वजन है उसका जो लोड है वो आपके दोनों शोल्डर्स पे आए, मतलब कि ये नहीं कि बस एक साइड को आप झुक रहे हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इन टिप्स पर काम करोगे ना तो आपका गर्दन दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो, गर्दन दर्द का सीधा वो है आपके सोने के तरीके से, ठीक है? तो आपका जैसे ही सोने का तरीका ठीक हो जाएगा, आपका गर्दन दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, और ये एक्सरसाइज और ये इन टिप्स के साथ आप अगर काम करते हो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको भी शिकायत है, और नए हो तो चैनल पर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।